हेलो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग में हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, पर व्लॉग जरूरी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मलेशिया, तो मलेशिया के टाइप कंटेंट नहीं रहेगा। तो मैं सोचा हूँ कि हम लोग आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, घूम के आके वैसे जो मेन इस व्लॉग का आइडिया है, मैं अपना गुवाहाटी से काफ़ी सारे स्नीकर्स मंगा लिया हूँ, तो अभी हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे अपने, और सारे क्रेट्स आ चुके हैं तो आपको फाइनल ओवरव्यू दिखाऊंगा। तब तक हम लोग घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और आप स्टे ट्यून्ड रहो, आके हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। बाय बाय। तो पोची तुम बहुत मेहनत की है, बहुत कम लोग को मौका मिलता है हमसे चंपी लेने का, तो पोची को हम चंपी देंगे, और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मामाअर्थ का हीना हेयर ऑयल। गाइस मामाअर्थ का हीना हेयर ऑयल, आज आपको पता है आज के जमाने में इस टाइप के लोगों का हेयर ग्रे हो जाता है, यू नो, इतना जो लाइफ स्टाइल इनका इतना अच्छा है, मेरे तो अलग सीन है बट इनका ग्रे हो जाता है, मेरा ग्रे हो जाता है, ठीक है। गाइस हम लाए मामाअर्थ का हेना ऑयल, जिसमें है हेना, कॉफी और इंडिगो ऑयल। इजी टू अप्लाई है गाइस, आपको पता ही है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और बोले तो एकदम नेचुरली मेड। अब गाइस इसको लीजिए और पोची के जैसे लोगों पे मस्त एकदम इसके ऐसे मालिश कर दीजिए ताकि थोड़ा सा चेक हो जाए। वैसे स्मेल अच्छा है गाइस, एकदम स्मेल एक्चुअली बहुत अच्छे है ना कुछ जी गाइस। तो ये आप अगर रेगुलरली अप्लाई करते हो तो आपके हेयर अच्छे रहेंगे। इसको लगाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने एकदम थोड़ा सा लिया था, काफी देखे इसका बाल की पूरी चमक वापस आ गई है। और तो गाइस आपको पता है मामाअर्थ का सारा परचेज लिंक करते हैं हम लोग एक ट्री प्लांटेशन के साथ, इसीलिए पोची तुम्हारे लिए हम एक और गिफ्ट लाया है, जो है मामाअर्थ का नेचुरल हेना पेस्ट। इसको तुम बिंदास लगा सकते हैं, एक बोल में लो, डालो, लगाओ, इजी टू अप्लाई है। मेहंदी, हाँ मेहंदी कलर, तो तुम्हारा जो तुम बीच में कलर करा लेते थे, तो उससे उसके बाद जो तुम कलर करा तुम्हारा बाल खराब होगी, इसको यूज करके देखना, ठीक है। नेचुरल हेना पेस्ट है, इसमें भी अपना कॉफी है और अपना हेना है, ठीक है, और इंडिगो ऑयल है। गाइस ये दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आया तो आप ले सकते हो इसको मामाअर्थ, नाइका, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। मामाअर्थ में अगर आप यूज करोगे कोड था 2022 तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। सो डोंट फॉरगेट टू बाय इफ यू लाइक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मामाअर्थ का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब व्लॉग का मजा लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कैसे स्ट्रीम करता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मर्सी बिना टी शर्ट के स्ट्रीम कर रहा होगा। मर्सी बिना टी शर्ट के स्ट्रीम, ओह मर्सी कपड़ा पहन के स्ट्रीम कर रहा है, हमको लगा तो बिना टी शर्ट के। चश्मा लगा के गैंगस्टर लग रहा है, देखो लग रहा है स्वीट बॉय। ये देखे स्ट्रगल इन लोगों का, गाइस इनका हालत इतना खराब है, इनके क्या है खुद का कैबिन भी नहीं है गेमिंग हाउस, बहुत बुरा हालत है। नाम उखाड़ दिया तुम्हारा वहां से? हां उखड़ेंगे भाई नाम तो। वहां पे गाइस अभी वैकेंसी है, वहां पे कहां पे डिजर्विंग क्रिएटर का वैकेंसी है उधर ना, हां उधर रेगल्टॉस लिखा होता था कोई जमाने में, अंदर का भी सेटअप लगाया है, सेटअप कुछ और सेटिंग करने में लगा था गाइस, तो खेल रहे हैं। आपको जाके अगर उसका वेलो देखना है कभी और देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो कल की बात है। मोटका आज ओवरसाइज टी शर्ट पहना है। ये देखे बब्लू ओपी नया चैनल आया है, व्हाट्स अप, क्या हाल है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ऐसी ब्लॉग कर रहा हूँ गाइस, पास्ता के साथ डाइटिंग के साथ पूरा फुल जिम हो रहा है नीचे सेकंड फ्लोर पे। ओपी गाइस नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। माइनक्राफ्ट का वीडियो बना रही है, बोल रहा माइनक्राफ्ट में मिस्टर बीस्ट जैसा वीडियो बनेगा। ये देखो छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, भाई मल्टी मल्टीसेस उठा लो, तुमको लगता है वादा के घर ले गया होगा रिबेल है। यार देखो स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिल्की वे गैलेक्सी 8-bit माफिया। क्या हो गया गाइस, ये दिन में 16 घंटा आरपी खेलता है, रात को नींद में पिज्जा बेचता है, आपको इसका एक क्लिप में डालूंगा। इट इज द एंड, यहां फुल सुपर स्टॉकिस्ट है, खाना पीना कोका कोला सब चाहिए इसको गाइस, सब कुछ चाहिए। चेयर से उठ रहा ही नहीं है, चेयर बेचारा दब गया, मर गया चेयर का, ग्रीन सोल का सोल निकल गया। थेपला बॉय, थेपला बॉय, ये देखिए डिसेंट लग रहा है इसको गाइस, स्टीमर ऑफ द ईयर है गाइस, स्टीमर ऑफ द ईयर फॉर वाइपर। तो गाइस हमें इस बवासीर को ठीक करना है, इसको अभी हम पूरा अरेंज करेंगे, तो गाइस देखते हैं अभी किसको का अरेंज करेंगे, फिर अपना हाफ कलेक्शन बन जाएगा। ये है जूता के लिए स्नीकर वाइप्स, थैंक यू स्नीकर गाइस, ये शार्क टैंक वाला स्नीकर है, कृष्णा माय वेरी गुड फ्रेंड, जिसके मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, पैसा लिया है कृष्णा में। इसमें मलम और तेल है, मीडियम ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, टिप ब्रश, माइक्रोफाइबर टॉवल और क्लीनर। गाइस इसके अंदर पोची ने लाया है बहुत सारे स्नीकर्स फ्रॉम गुवाहाटी, खरीद के नहीं लाया गाइस, घर से लाया, देखते हैं, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या मंगाया है, बट लेट्स सी। ओह नाइस बैग थगवा, ओह जस्ट अ पार्ट ऑफ यू नो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर लाइफ। ओके माय ओजी शूज आर हियर गाइस, ये मेरा राइटन्स जो मुझे सबसे ज्यादा पहनना पसंद है, और फिर कुछ कुछ बेसिक स्नीकर्स है यहाँ पे, ये चीज है, और आई थिंक दिस इज द हैवी बीस्ट है इसमें। इसमें गाइस मेरा फर्स्ट ट्रेनर है, दिस वाज माय फर्स्ट एलवी ट्रेनर जो मैं लिया था, एंड देन फिर गाइस रेट्रो फोर, फिर दिस इज क्या था इसका नाम, कुछ ब्लू समथिंग, येलो ब्लू कुछ था, एंड गाइस दिस इज द नॉयर, ऑफ वाइट नॉयर, यूएनएलए, द वन दैट आई ईगरली वाज वेटिंग फॉर। वूहू,
ओ पाप रे, जूता वाला बहुत खराब हो गया। हम बोला था तुमको ये वो जूता है जिसमें गाइस वो मुझे डाल के रखना होगा, इसमें काफी क्रीजेस आ गए हैं गाइस। इसके बाद नया कॉप एयरफोर्स वन, एयरफोर्स वी गॉट दिस टैक्सी, ये नया नया आया था, कल ही आया है मेरे पास। टैक्सी यस गाइस, दिस इज द ट्रेविस स्कॉट का रिवर्स लोज, ये भी अभी अभी आया था। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गाइस, मेरे हबीबीज हबीबीज आर आल्सो फाइनली हियर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। येलो कलर का आपको पता है क्या है, तो उसके साथ ट्विन करने के लिए मैंने अभी से कलेक्शन बना लिया है। This is my new trainer. अब गाइस ये सबको अरेंज करना है। सेक्सी है भाई वाला, दिखा अलग ही है ना गाइस। अभी ये सारे स्नीकर्स को क्रेट्स में लगाएंगे और अपने वॉल को थोड़ा सा सही करेंगे, जगह है अपने पास, बस इसको वो करना है और पूरा वो करके फिर थंबनेल के लिए एक फोटो लेंगे। और गाइस एलवी एयरफोर्स 1 का डब्बा इस इंसान ने फाड़ दिया था। हाँ। ये हमने नहीं फाड़ा, तुम ही फाड़ा है। वो क्या करें बताओ सर, बताइए इसका क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? अरे मार भी नहीं सकते, प्यार जो करते हैं हमसे। ओ भाई क्या डायलॉग मार रहा है, इतना वेलकम देखा है ना, इतना मतलब मैं ओपी मूवी है। और नीचे भी एलवी था। ओके भूल गया, सॉरी सर। एक और भारी भरकम भाई, बहुत ज्यादा भारी जूता है ये तो मार। स्ट्रेंज लव, ये गाइस हिंदी में बोलो ना क्या, स्केलेटल उसका नाम है। हम लोग गरीब आदमी लोग समझाओ, ब्लू वाला पिंक वाला। अरे भाई ये पिंक वाला को ये स्ट्रेंज लव बोल रहा है, स्ट्रेंज लव पिंक नहीं होता, तुमको पता नहीं स्ट्रेंज लव का कलर? अभी हमसे पूछो। ये नींबू लेमन, देखो एक ही जूता का नाम मालूम है हम लोगों को, क्योंकि ये जूता हम लोग 3 बार देख चुके हैं, एक मांबा के पास, एक गुडली भाई के पास और एक इसके पास। एक डंक गाइस मेरे ट्रेविस, दिस इज अनु बॉटल, आई लव दिस शू, पर मैं पहनेंगे। तो गाइस 3 ट्रेविस, एक वहाँ पे पड़ा है और मेरे डंक्स नहीं आए हैं, मेरे पास इसका लूज नहीं है, वो सब कुछ अरेंज करना। हाथ से छुपा क्या रहा है, अरे खोलना, हाथ से क्या छुपा रहा है? देखो गाइस ये देखो, अनिमेश इस बार मलेशिया चला गया है और मैं गुवाहाटी आ गया हूँ। तो ये था अनिमेश का लेटेस्ट स्नीकर कलेक्शन, और बाय द टाइम आप वीडियोस देख रहे हो अनिमेश वहाँ मलेशिया में मस्त मजे कर रहा है और मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। ये था इस ब्लॉग का आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिल को क्या हो गया अभी तो यही देखो था, अभी मुंह में घुसा देना।